दिल्ली नगर निगम की तारीखों की घोषणा नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी हुई है, बल्कि आप खुद डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको डर लग रहा है, क्योंकि यदि चुनाव 6 महीने की देरी से कराया जाएगा तो आपके विनाशकारी शराब नीति के दुष्परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप आने वाले चुनावों में कहीं के भी नहीं रहेंगे और आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। खेमचंद्र शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव आप जीत नहीं पाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी एमसीडी को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना मुंह बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि वो डर गई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है, डरी हुई तो आम आदमी पार्टी है। आदरणीय केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी हुई, बल्कि आप डरे हुए हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर यूनिफिकेशन हो गया, 6 महीने इलेक्शन डिले हो गए, तो आपकी जो विनाशकारी शराब की नीति है उसके दुष्परिणाम लोगों के सामने आ जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहोगे और आने वाले चुनावों में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप कहे भारतीय जनता पार्टी करे हो, डरे खुद हुए हो। भारतीय जनता पार्टी तो जो समस्या है तीनों को जो तोड़ दिया गया शिलाजी के जमाने में, उसके बाद आपने उनको पंगु बना दिया। 13,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा आपके ऊपर बकाया है, वो आपने दिया नहीं, और ना ही आपने नया फाइनेंशियल कमीशन बना के और एक्स्ट्रा मदद करने की कोशिश की, या कोशिश करते हुए आप दिखे। आप तो लगातार, क्योंकि आपका राजनीतिक द्वेष है, आप एमसीडी में जीत नहीं पाए, एमसीडी में जनता ने आपको मौका दिया नहीं, तो नहीं दिया मौका तो इनडायरेक्टली आप एमसीडी को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। अब दिल्ली वाले जान चुके हैं और आप अपना मुंह बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं भाग गए, डर गए। अरे आप डरे हुए हो, आप ये बताओ आप यूनिफिकेशन के पक्ष में हो या विरोध में? अगर विरोध में हो तो क्यों? शर्मा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि क्या आप एकता के पक्ष में हैं या फिर विरोध में हैं? यदि विरोध में हैं तो क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप मजबूत एमसीडी नहीं चाहते तो जवाब दीजिए कि क्यों नहीं चाहते हैं।